नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये डिजिटल सर्किट से रिलेटेड है। पूछा गया है बुलियन रिलेशन एट द आउटपुट स्टेज वाई फॉर द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट डायग्राम दिया गया है ना, ये देख सकते हैं डायग्राम है। इसमें ए और बी जो कि इनपुट हो सकते हैं और फाइनल आउटपुट है वाई, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन हमें बताना है। तो अगर इस सर्किट को आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये और गेट बता रहा है ना। और गेट में क्या होता है, इन दोनों में से कोई भी स्विच ऑन होगा तो इधर जो है वो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। दोनों के दोनों अगर ओपन रहेंगे तो वहां करंट फ्लो नहीं करेगा। और का मतलब हुआ ये या ये, दोनों में से कोई एक ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये और गेट है और यहां से इधर ये जो है ये नॉट गेट का सर्किट है ना, ये नॉट गेट का होता है। तो ये दोनों सर्किट को हमें ऐड करना है तब जाकर के फाइनल जो है बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो जो डिजिटल सर्किट है ये एक्चुअली में है और गेट प्लस नॉट गेट, है ना। ये दोनों यहाँ पर मिला करके सर्किट बनाया गया है। अगर मैं मान लेता हूँ कि जो ये और गेट है इसका आउटपुट है सी, सपोज ये है सी, तो और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है सी को लिखा जा सकता है ए प्लस बी। मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी वन होगा तो सी जो है वन हो जाएगा। दोनों के दोनों जीरो होंगे तब ये जीरो होगा। दोनों में से कोई एक वन हो या दोनों दोनों वन हो तो सी वन होता है, ठीक है ना, अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएं तो। तो ये जो सी आउटपुट है उसको ऐसे लिख सकते हैं, सी और वाई का जो रिलेशन है, क्योंकि ये नॉट गेट है, नॉट गेट में क्या होता है, अगर ये ऑन होता है तो ये ऑफ होता है, ये ऑफ होता है तो ऑन होता है, मतलब ये जीरो तो वन, ये वन तो वो जीरो, है ना। तो वाई और सी में क्या रिलेशन है, सी के ऊपर बार लगाते हैं, नॉट गेट का ये हो गया, ठीक है। ये नॉट गेट का हो गया और ये और गेट का हो गया, दोनों हमें जोड़ना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू सी के जगह पर ए प्लस बी रखेंगे, ए प्लस बी बार लग जाएगा, है ना। और बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a बार इंटू बी बार, है ना। इसका ट्रुथ टेबल सेम आता है। तो y का वैल्यू जो है a बार डॉट b बार भी हो सकता है। तो देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर एक तो a प्लस बी है नहीं, वहाँ पर a बार प्लस b बार ये भी नहीं है, a बार इंटू बी बार, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये मैच नहीं कर रहा है ना।